वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये वीडियो काफी अवेटेड थी मेरे चैनल पे, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि वर्टुस जीटी से इसकी ड्रैग करो, बिकॉज अभी तक ये मतलब मोस्टली हर कार को हरा देती है, सिर्फ एक्सयूवी 700 से हारी है और हर कार को इसने हराया। तो काफी लोगों ने बोला था कि इसकी रिप्लेसमेंट जो आई है परफॉर्मेंस वाइज भी वर्टुस जीटी से ड्रैग करो, तो आज हम इसी की ड्रैग करेंगे इन दोनों की। बिकॉज 1 लीटर TSI वेंटो जो आती थी मैनुअल खासकर, वो फास्टेस्ट वेंटो है जो आज तक आई थी, और जो वर्टुस जीटी है वो तो आपको पता ही इसका फास्टेस्ट वेंटो है। तो आज हम यही देखने वाले कि रिप्लेसमेंट में कितना परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुआ है। बाकी इंजन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आता है 1.5 लीटर का TSI इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 150 हॉर्स पावर और 250 Nm का टॉर्क। यह है DSG। इसकी बात करें तो इसमें आता है 110 PS और 175 Nm का टॉर्क। यह है मैनुअल 1 लीटर TSI। वेट की बात करें तो इसका वेट ऑलमोस्ट 1200 kgs है, इसका है 1274 kgs, तो ये 74 kgs भारी है। बाकी मेरे हिसाब से इनिशियल में वेंटो निकलेगी आगे, बिकॉज उसमें DSG लाएगा और वो मैनुअल है, और 100 या 120 पे ये वेंटो को क्रॉस कर देगी। बाकी वो तो आगे पता ही चलेगा क्या होता है, फर्स्ट राउंड करके देखेंगे तभी पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। और अपनी गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, AC ऑफ है, फुल पावर जनरेट करेगी। और अभी पूछते हैं वर्टुस वाले भाई से कि उनका क्या सीन है। और AC ऑफ कर देते हैं गाड़ी का, बाकी कुछ ऑन नहीं करे, नॉर्मल है। फिर ड्राइव पे है, स्पोर्ट पे? स्पोर्ट में रख देता हूँ पहला। ठीक है, तो भाई स्पोर्ट्स में है वो, उसका ट्रैक्शन कंट्रोल इस समय ऑन है और AC सब ऑफ है। सेकंड राउंड में वो ऑफ करेंगे तो देखते हैं क्या रहता है सीन। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट, और वो 3 हॉर्न देंगे और तीसरे हॉर्न पे हम खींच देंगे गाड़ी। तो देखते हैं क्या रहता है सीन और देखते हैं कौन जीतेगी। तो शुरू करते हैं। शुरू भाई। और भाई इनिशियल में अपनी आगे है बिकॉज ऑफ DSG लैग, और अभी तो भाई आगे ही है, अभी आगे है भाई, भाई अभी आगे है, अभी आगे है, आगे है भाई। अब आ रही है वर्टुस, अब आ रही है 140 पे, 150। देखो भाई 150 खत्म, भाई जीत गई, भाई फर्स्ट ट्रैक जीत गई है भाई अपनी वेंटो। अब सेकंड ट्रैक करते रहे, ले ले भाई ब्रेक ले ले। ठीक है, 3 हॉर्न। तो भाई शुरू कर रहे हैं सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड के अंदर अपनी वेंटो रही थी, तो अब देखते हैं कौन जीतता है। शुरू भाई। भाई इनिशियल में अपनी वेंटो आगे, भाई अभी तो आगे है वेंटो, और 100 पहुंच गई है भाई वेंटो, और अभी भी आगे है भाई, और 120। देखो भाई 130, 140 गाइस, 140 हो गया, और ये आई है भाई 150 पे क्रॉस किया भाई वर्टुस ने, 150 पे क्रॉस किया है। तो गाइस देखा जाए प्रैक्टिकली वर्टुस से जीत रही है वेंटो ड्रैग, 150 के बाद वर्टुस आती है। तो गाइस अपनी सेकंड राउंड की विनर भी मेरे हिसाब से वेंटो रहती है ड्रैग रेस वाइज, और 150 के बाद वर्टुस क्रॉस कर। नहीं लॉन्च ठीक हो रही है, मतलब मैं व्हील स्पिन नहीं मार रहा। हाँ अब ये लास्ट एक राउंड करते हैं और इधर से एक रोल कर लेंगे वहां से आते समय। ठीक है, तो भाई हम छोड़ ट्रैक के लिए आगे, ट्रैक्शन तुमने ऑफ करी थी? हाँ ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, हाँ ऑफ है। सेकंड में था, फर्स्ट में? सब में ऑफ है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता ही नहीं। तुम ऑन रख रहे हो इसको, ऑफ कर रहे हो? ऑन था हमारा, अब ऑफ किया हमने। कितने पे क्रॉस? 150 पे क्रॉस कर रही है। चलो आप शुरू करते हैं फिर। तो भाई अब शुरू कर रहे हैं थर्ड राउंड। दो राउंड तो अपनी वेंटो जीती है, मतलब प्रैक्टिकली ड्रैग दिखाया है, 140 150 पे क्रॉस करती है वर्टुस। तो अब देखते हैं क्या रहता है। भाई थोड़ी पहले उठ गई भाई वर्टुस, और भाई अभी तो आगे है वेंटो, और भाई वर्टुस अब आएगी, 120 पहुंच गई है वेंटो, 130, और अभी वर्टुस 140 पे क्रॉस किया भाई वर्टुस ने, वो बहुत धीरे धीरे जा रही है, बहुत धीरे धीरे। अब ब्रेक ले लिए भाई, तो मेरे हिसाब से चलो हम थर्ड राउंड का विनर वर्टुस को भी मान सकते हैं, बिकॉज जो है ये मतलब आप लगा लो गाइस, ड्रैग को देखोगे ना तो वेंटो जीत रही है, लॉन्ग को देखोगे तो वर्टुस जीत रही है। अब एक रोल करते हैं फिर खत्म करते हैं। कह रहे थे लॉन्ग में तो यार जीतेगी, पावर है फिर उसमें यार, 1.5 TSI है वो, बट वही है उसका पहले लैग आ जाता है। रोलिंग करते हैं 30 पे, 20 पे करते हैं, लेकिन यार पता क्या है, अभी ये तुमने ट्रिक कर दी ना वो वाली, जल्दी उठा दी, पता है 150 तक ना ये नहीं जान देगी इसको, ड्रैग के हिसाब से 150 के बाद क्रॉस कर रही है। हाँ ड्रैग के हिसाब से ये जीत रही है, वही प्रैक्टिकली देखा जाए तो ड्रैग ये जीत रही है, लॉन्ग वो जीत रही है, और रोल रेस अब मेरे को लगता है ये जीतेगी। मैं तुम्हें बताया था ना, अब तुम देखो अगर तुम्हारा वो वाला ट्रैक होता तो हार जाती है वर्टुस,
वही। चल अब रोल करते हैं 20 की स्पीड से। हाँ चल 20 से करते हैं रोल, और तू ही हॉर्न दे दियो या फिर हम हॉर्न दे देंगे 20 पे। स्पोर्ट पे रख ले, 20 पे हम हॉर्न दे देंगे। तो भाई 20 पे हम हॉर्न दे देंगे। अरे भाई फिर वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, तू ही हॉर्न दियो। तो भाई 20 पे हम हॉर्न देंगे और फिर शुरू करेंगे। अबे रोक दे 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 रोक करेंगे रोल शुरू, और एक ही हॉर्न पे खींच देंगे गाड़ी जैसी 20 पहुंचेगी। और भाई शुरू। और भाई इनिशियल में एज यूजुअल वेंटो आगे और 100 पे भी आगे है। और भाई अब आएगी, अब आएगी, अब आ रही है वर्टुस। 130 पे देखो क्रॉस किया भाई, 130 पे क्रॉस कर रही है वर्टुस। 130 पे गाइस वही है, मतलब 130-140 तक वेंटो आगे रहती है, उसके बाद जो है वो अपनी वर्टुस जो है वो क्रॉस कर जाती है वेंटो को। तो देखा यार रोल रेस की विनर तो क्लियरली वर्टुस ही है। अब ड्रैग को एंड करते हैं बॉडी। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो रोल रेस में तो क्लियरली अपनी वर्टुस जीत गई है, लेकिन ड्रैग में जो है अपनी वेंटो मतलब काफी टक्कर दे देती है। 140-150 के बाद वर्टुस क्रॉस करती है, जो कि मतलब देखा जाए तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वर्टुस ऑलमोस्ट वर्टुस जो है ना ड्रैग में हार जाती है, लेकिन रोल में जो है अपनी वर्टुस जीत जाती है। ड्रैग में वेंटो विनर है, 150 तक वेंटो जीतती है, रोल में वो जीत जाती है। तो मतलब वर्टुस की पावर बहुत बढ़िया है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ DSG लैग वो हार जाती है। तो यही थी वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ऐसी बड़ी से वीडियो के लिए।